नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ बबली शर्मा। बिलासपुर के सरकंडा इलाके से गायब हुए युवक की हत्या की गुत्थी सुलझाने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। दरअसल पुलिस ने हत्या करने वाले पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर मृतक का शव बरामद कर लिया है और हत्या के लिए इस्तेमाल की गई गाड़ी और फोन के साथ क्लोरोफॉर्म जब्त किया है। बता दें कि अपने सगे बेटे की हत्या का बदला लेने सौतेली माँ ने इस वारदात को अंजाम दिया था। दरअसल पुलिस विभाग के यातायात थाना में कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करने वाला तरुण रातड़े के गायब होने की रिपोर्ट सरकंडा थाने में दर्ज करवाई गई थी, जिसके बाद पुलिस मामले की विवेचना में जुटी हुई थी। और छानबीन में यह बात सामने आई है कि आरोपी बेबी मांडले ने अपने पूर्व पति को छोड़कर मृतक के पिता शांतनु से शादी कर ली और घर से अलग रहकर अपोलो अस्पताल में काम करने लगी। आरोपी बेबी के पहले पति से भी 3 बच्चे थे और उन्हीं में से एक मंझले बेटे नीलेश का शव संदिग्ध हालात में कोटा क्षेत्र में सितम्बर 2018 में मिला, जिसके बाद आरोपी महिला बेबी का शक था कि उसके बेटे की हत्या तरुण और उसके पिता ने ही की। तो वहीं अपने सगे बेटे की हत्या का राज खुलवाने के लिए बेबी ने मृतक की प्रेमिका और अपने पूर्व पति सहित अपने 2 बेटों के साथ मिलकर योजना बनाई और मृतक तरुण को प्रेमिका के घर बुलाकर नींद की गोली और क्लोरोफॉर्म सुंघाकर पहले बेहोश किया, फिर उसके बाद तरुण की गला दबाकर हत्या कर दी। और वारदात को अंजाम देने के बाद शव को कोटा के अपने अमने गांव में अपने कृषि फार्म हाउस में गाड़ दिया। हालांकि शक के आधार पर जब पुलिस ने कड़ी पूछताछ की तो सभी आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल किया। आरोपियों के निशानदेही पर पुलिस ने अमने गांव के खेत में शव को बरामद कर लिया है और सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। रात्रि प्रार्थी है, उसने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका पुत्र तरुण रात्रे जो है वो गुम हो गया है। और चूंकि तरुण रात्रे यातायात थाने में कंप्यूटर ऑपरेटर भी रह चुका है, पुलिस ने तत्काल इसकी जांच शुरू की और उससे संबंधित जो भी लोग थे उन सभी से पूछताछ की, टेक्निकली भी एनालिसिस किया। पूरी जाँच में ये सामने में आया कि तरुण रात्रे के जो पिताजी हैं उसकी एक दूसरी वाइफ थी बेबी मांडले। उसके बेबी मांडले के एक पुत्र की 3 महीने पहले एक डेथ हो गई थी कोटा थाना क्षेत्र में, उसकी जांच चल रही थी। तो बेबी मांडले का मानना था कि तरुण रात्रे इसमें शामिल हो सकता है, इसलिए बेबी मांडले ने अपने पहले पति और दोनों बच्चों, साथ ही साथ उसकी एक प्रेमिका है, उन सभी को लेकर के एक प्लान बनाया कि तरुण को कैसे भी करके बुलाया जाए और उससे पूछताछ की जाए और यदि वो हत्या में शामिल होता है तो इसकी इससे कड़ी कार्रवाई वो करना चाहते थे इनके खिलाफ में। तो इसलिए उन लोगों ने एक प्लान बनाया और पांचों लोगों ने मिल करके, उसकी जो प्रेमिका है मेघा गोयल, उसने उसको 1 तारीख को एक किराए का घर लिया राजकिशोर नगर में, वहाँ पर बुलाया। वहाँ इन लोगों ने बालाराम मांडले, योगेश मांडले, अभिषेक मांडले और बेबी मांडले, ये पांचों ने मिल करके उसको पहले तो कॉफ़ी में एक नीम की गोलियाँ मिला करके बेहोश करने की कोशिश की, किंतु वो बेहोश नहीं हुआ तो क्लोरोफॉर्म, जो कि इसने एक मेडिकल स्टोर से साइंस स्टूडेंट होने का हवाला देते हुए परखनली और ये सारी चीज़ें खरीदी थी, तो उसने क्लोरोफॉर्म सुंघाया उसको और उसे इसी दौरान ज़्यादा क्लोरोफॉर्म हो जाने से उसकी डेथ हो गई, जिसको उन लोगों ने गला भी दबा दिया और उसकी डेथ हो जाने के कारण उसको जो योगेश मांडले की कार है उसमें भर करके कोटा की तरफ ले गए और वहाँ पे इन लोगों ने बॉडी को दफना दिया था ताकि इसकी जानकारी किसी को ना हो पाए। पुलिस की जांच में ये सारी चीज़ें सामने आई, बॉडी को रिकवर कर लिया गया है, पाँचों आरोपी जो इसमें शामिल थे सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, नमस्कार।